रायपुर के द्वारा मुझे सूचना मिली थी। मैं तुरंत यहाँ मौके पर आ गया जहाँ पर 4 फीट लंबा एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा रेस्क्यू किया गया है। इसने एक बड़े साइज के चूहे को निगल लिया था। यहाँ परिसर के अंदर हमारे बीच बैठे हुए पुजारी जी की नज़र इस सांप पर पड़ गई थी। इन्होंने जो मंदिर परिसर के सदस्य हैं उनको सूचना दी और मैं यहाँ तुरंत मौके पर पहुँचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विशेषकर पुजारी जी का और यहाँ पर मौजूद सभी मेरे भाइयों का कि इस बेजुबान जीव को मारा नहीं, और सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वो चाहते थे तो इस बेजुबान जीव को मार भी सकते थे, लेकिन इन सब ने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया और इस बेजुबान जीव को बचाने का प्रयास किया है। अपनी शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा करना, असहाय निःशक्त गरीब की रक्षा करना एक क्षत्रिय धर्म होता है। आपने उसको बखूबी निभाया, इसलिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। अब ये शांत होकर बैठ गया है और काटने की मुद्रा में है। ऐसा नहीं है कि ये काट नहीं सकता, जबकि जैसे ही मैं इसके नज़दीक जाऊंगा तो ये मुझ पर हमला भी कर सकता है। उमस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से इस तरह के जहरीले नाग बहुत ज़्यादा संख्या में निकलेंगे। बहुत बहुत मतलब सावधान रहने की आवश्यकता है, विशेषकर अपने बच्चों का ध्यान रखें। और इस तरह की कोई भी अनहोनी हो तो तुरंत आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, जब वहीं पर आपकी जान बचाई जा सकती है। धन्यवाद।